वेलकम टू यूथ विजन इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलाइन टेक्स्ट, लाइन स्पेसिंग, इंडेंट, सॉर्टिंग, शो एंड हाइट इन विजिबल्स के बारे में। ये हैं तो शॉर्ट्स हैं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंस है, इनकी अपनी जगह बहुत अहमियत है। तो इनके अगर आप सही से जानते हैं, इनको करना आ जाए तो आपका काम आसान हो सकता है। सबसे पहले आइए अलाइन टेक्स्ट के बारे में जानते हैं कि अलाइन टेक्स्ट है क्या और इससे क्या क्या काम लिया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ जो कि पहले लिखा हुआ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि एमएस ऑफिस वर्ड 2016 लिख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 जो लिखा है, 16 जो लिखा है, उसको पेज के दरमियान में लेकर जाऊँ। आई मीन टू से इसी लाइन में रहते हुए, इसी रो में रहते हुए यहाँ इधर दरमियान में पेज के सेंटर में लेकर आऊँ। तो उस वक्त या तो आप यहाँ से क्लिक करके स्पेस करेंगे, स्पेस करते हुए लेकर आएंगे, लेकिन ये ऑथेंटिक जो मेथड है, तरीका है, वो नहीं है। अगर आप इसको कर भी लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये कैरेक्टर्स ही आ गए, कैरेक्टर के साथ आपने इधर लेकर आया। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं, ये देखें यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्पेस जो है इसके दरमियान वो वर्ड्स या टेक्स्ट या कॉन्टेंट कंसिडर कर रहे हैं। आप इसको सबसे पहले सिलेक्ट करें सेंटर, यहाँ से अलाइन सेंटर टेक्स्ट के ऊपर जस्ट क्लिक करें। आप ये देखें, तो अगर आप यहाँ सिलेक्ट भी करते हैं तो ये देखें एग्जैक्टली टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो रहा है, बाकी जो लाइन है वो नहीं सिलेक्ट हो रही। इसके बाद इसको अगर राइट साइड पे लेकर जाना चाहें तो आप राइट साइड पे लेकर जा सकते हैं। फर्ज करें, लेट्स सपोज अगर आप यहाँ से इसको 3 कॉपीज बना लेते, कॉपी करके पेस्ट कर लें 3 दफ़ा। अब ये जो सेंटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लाइन है, इसको मैं अगर दरमियान में लेके जाना चाहूँ तो यहाँ से क्लिक करूँगा, और अगर राइट साइड पे लेके जाना चाहूँ तो यहाँ से क्लिक करके या डायरेक्ट ही यहाँ से आप अलाइन राइट पे क्लिक करें। ये लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करने से आप देखें आप टेक्स्ट को इस तरह भी लेकर जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, शिफ्ट करके दाएँ सेंटर और बाएँ तरफ आप अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं। इसके अलावा बाज़ अवकात जब आप पैराग्राफ टाइप करते हैं यहाँ पे, जो कि मैं ऑटो पैराग्राफ इन रैंडम टेक्स्ट के साथ में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, अब देखें यहाँ पे जब मैंने ये टेक्स्ट ऐड किए, ये कुछ पैराग्राफ्स मेरे पास आ गए। इस पैराग्राफ में अगर मैं चाहूँ कि ये दोनों साइड बराबर हो जाएं, जैसे कि आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहे कि एक साइड तो बराबर है और जो हमारे पास दूसरी जो साइड है, ये दूसरा जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, या ओवरऑल आप ये एक पैराग्राफ कंसिडर करें, इसमें देखें यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, जो बैलेंस है वो यहाँ पे आपको नज़र कहीं पे नहीं आ रहा। तो इन दोनों साइड्स को बराबर करने के लिए, जैसे ये देखें यहाँ से यहाँ बराबर है, जबकि राइट साइड पर टेक्स्ट जो लाइन है वो बराबर नहीं है यहाँ से यहाँ तक, तो मैं इसको क्लिक करके अलाइन इसी लाइन पे आकर के जस्टिफाई टेक्स्ट को क्लिक करूंगा, या कंट्रोल जे फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से कंट्रोल जे शॉर्टकट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप देखें ये बिल्कुल बैलेंस में टेक्स्ट आपको नज़र आ जाएगी। तो इस तरह आप अपने पैराग्राफ को दोनों साइडों से बराबर करना चाहें तो इस ऑप्शन का बेहतरीन इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद लाइन स्पेसिंग है, लाइन के दरमियान स्पेस को बढ़ाना या कम करना। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप कोई काम कर चुके होते हैं और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि इसके लाइन के दरमियान जो स्पेस है वो कम है, वो ज़्यादा करें, तो यहाँ से क्लिक करके आप 1.15 कर सकते हैं, पॉइंट्स 1.52। यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं स्केल्स और पॉइंट्स, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 ही आप रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद इंडेंट्स, इंडेंट्स यहाँ पर आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंडेंट बेसिकली फासले को कहते हैं,
फर्ज करते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ को अलग मैं करता हूँ और इस फर्स्ट पैराग्राफ पे या तो आप पूरे को सिलेक्ट कर लें पैराग्राफ को या फर्स्ट पे आप कर्सर रखें उसके बाद इंडेंट को इंक्रीज करें यानी कंप्लीट उस पैराग्राफ को आप राइट साइड पे मूव कराना चाह रहे हैं या आप इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आना चाह रहे हैं। ये जस्ट कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक ही यहाँ पे कोई पिक्चर आप ऐड करना चाहते हैं और इसको साइड पे करना चाहें तो ईजिली आप साइड पे कर सकते हैं। फिर आप कोई पिक्चर ऐड करें या कुछ भी ऑटो शेप आपके पास अगर ऑलरेडी है तो इनमें से कोई से भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इस बॉक्स को उठाता हूँ और इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। अब आप देखें तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसी बॉक्स को आप इधर ईजिली रख सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए इंडेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर तो आप इसको वापस इसी पोजिशन में लेकर आना चाहें तो डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। इसके बाद अलाइन टेक्स्ट के बाद लाइन स्पेसिंग इंडेंट। अब सॉर्टिंग, सॉर्टिंग को समझते हैं। सॉर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने कुछ लिख लिया, जैसे मेरे पास अमाउंट्स हैं कुछ ऋण, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और इसमें स्मॉलर भी है लार्जेस्ट भी एंड लार्जर भी है, तो मैं चाहता हूँ कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यानी जो अमाउंट कम है वो ऊपर आ जाएँ और जो ज़्यादा है वो नीचे की तरफ आ जाएँ और एक सीक्वेंस में आ जाए। यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये आपके पास ए टू जी यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ए एंड जी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया और फिर यहाँ से सॉर्ट टाइप पैराग्राफ ही है, टाइप हमारे पास नंबर है या टेक्स्ट है ये क्या है, फिलहाल हमारे पास ये नंबर्स ही है, इसी को मैं असेंडिंग कर लेता हूँ। असेंडिंग का मतलब जो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे जो अमाउंट ज़्यादा है वो नीचे और जो कम है उसको टॉप पे लेकर गए। अगर आप अपोजिट करना चाहें तो यहाँ सेलेक्ट करके डिसेंडिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं जो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन टेक्स्ट आपको नज़र आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास अल्फ़ाबेट्स में है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिटीज़ का नाम लिख लेता हूँ, कराची लाहौर मुल्तान। अब इसमें मैं सीक्वेंस में लेकर आना चाह रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकली, तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद क्लिक और असेंडिंग और ओके करता हूँ। सो आप देखें आप इसको सिलेक्ट करें, लेट्स सपोज यहाँ से अगर आपको सही से नज़र नहीं आ रहा एबटाबाद, अब आप सिलेक्ट कर लें और इसको यहाँ सेलेक्ट करने के बाद असेंडिंग करके ओके करें। अब आप देखें ए आई के एल एम सीक्वेंस में अल्फाबेटिकली वो लेकर आ गए। तो इस असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्टिंग जिसे कहते हैं, इसके मदद से आप सीक्वेंस में आप अपने टेक्स्ट को लेकर आ सकते हैं। इसके बाद लास्ट में शो एंड हाइट इनविजिबल्स, जब आप पैराग्राफ टाइप कर रहे होते हैं कुछ भी तो उस दौरान हम बहुत जगहों पे स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, टैब का इस्तेमाल करते हैं और एंटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो कैरेक्टर ही कंसिडर किया जाता है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर मैंने कहाँ कहाँ स्पेस का इस्तेमाल किया, कहाँ कहाँ टेक्स्ट टैब का इस्तेमाल किया, कहाँ मैंने एंटर का इस्तेमाल किया, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे या जस्ट इस पर क्लिक करके शो एंड हाइट इनविजिबल्स को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर आप देखना चाह रहे हैं कि जी कि कौन से ऑप्शन आइकन जो है वो किस लिए है, तो यहाँ देखें जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये मार्क्स आ रहा है, स्पेस में प्रेस करता हूँ तो स्मॉल डॉट्स आ रहे हैं और टैब जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो उसकी जगह एरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनविजिबल से वैसे आपको नज़र नहीं आता और जब आप इसको देखना चाहें कहाँ कहाँ आपने इनका इस्तेमाल किया तो इस शो एंड हाइट इनविजिबल्स को क्लिक करें तो आपको नज़र आ जाएगा। सो ये था आज का ओवरऑल लेसन, सो होप सो फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए गॉड ब्लेस एंड गुड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।